दोस्तों, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी, आज मैं आपके लिए नए टॉपिक के साथ किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। तो किसान भाइयों, आज जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 97 तक जो हमारी आज जो फसल है वो हमारी शुगर कैन की फसल किसान भाई हमारे उगाते हैं। तो किसान भाई, अगर आप अपनी फसल शुगर कैन की अगर फसल उगाते हो तो आप उसके अंदर आपकी फसल जब आपकी 15 से या 20 दिन या मई जून के महीने में या मार्च के महीने में अगर आप अपनी फसल को बोते हैं तो आप जब 15 से या 20 दिन या 30 दिन हो जाते हैं तो उसके अंदर एक गर्मी या पानी के अनुसार पानी की अगर कमी होती है तो उस कारण हमारी सोयल होती है उसके अंदर एक फंगसाइड उत्पन्न हो जाता है। फंगसाइड जो होता है जिसको जो कीड़ा लगता है जो हमारी फसल को बहुत नुकसान और हमारी नुकसानदायक हमारा जो कीटनाशक जो जीव पाया जाता है एक तना छेदक नाम का एक कीट होता है जो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, तना छेदक कीट एक हमारी हानिकारक कीट होता है। जब हमारी फसल 15 से 20 दिन या 30 दिन हो जाते हैं तो ये तना छेदक हमारी फसलों पर आक्रमण करता है। तो उसके लिए हमारी जो फसल है, आपको मैं शो करके दिखाता हूँ। जो हमारी फसल है ये हमारा प्लांट है, जो शुगर कैन का जो प्लांट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो हमारी जो फसल है, जब ये तना छेदक लगता है, जब स्टार्ट होता है तना छेदक कीड़ा, जो फंगिसाइड जो स्टार्ट होता है, तो हमारी जो फसल है, जो हमारी जो शुगर कैन की फसल है, तो वो इस तरह से जो पत्ते हैं वो हमारे पीले पड़ने लग जाते हैं और हमारी जो फसल है वो सूखने लग जाती है। तो दोस्तों, हम एक प्लांट उखाड़ के देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसे ये हमारा इस शुगर कैन की ये है, इस तरह से ये हमारा सूख गया है पूरा। तो ये जो है, देखो इस तरह से ये दिखेगा कीड़ा जो है हमारा, इस तरह से पूरी फसल को नुकसान देता है और इसके अंदर से एक गलन जैसी जो होता है, जो एक गलन सील, जो गलन इस प्लांट को जो फंगसाइड जब लग जाता है इसके अंदर, तो इसके अंदर लगने के बाद ये इस तरह से काला पड़ना चालू हो जाता है। तो काला पड़ना जब काला हो जाता है तो दोस्तों, किसान भाइयों, तो आप अपनी फसल में ये जान लो कि आपकी फसल के अंदर, आपकी जो फसल है उसके अंदर तना छेदक कीटनाशक, जो तना छेदक फंगिसाइड होता है, वो आपकी फसल पर आक्रमण कर चुका है। तो इस तरह से ये अगर आप उसकी निराई गुड़ाई, जब ये आप देखो कि मेरी एक प्लांट है, आप प्लांट, तो मैं सजेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को, किसान भाइयों को, जब भी आप अपनी फसल को जाकर देखो और उसके अंदर इस कारणवश अगर कोई भी प्लांट आपको सूखा हुआ मिले, तो दोस्तों, उसी प्लांट को या तो उसको उखाड़ के फेंक दे या उसके बाद उसको इस जो कीटनाशक जो लग रहा है इसके अंदर, जो कि फसलों के अंदर जो लग रहा है, इसको रोकने के लिए पानी दे। पानी के कारण जो कीड़ा है वो आपका थोड़ा मर जाएगा, जिससे आपकी फसल जो है वो आपकी बचनी शुरू हो जाएगी। या उसके बाद अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो दोस्तों, किसान भाइयों, तो आप अपनी फसल को निराई गुड़ाई करके उसकी आप देखभाल कर सकते हो। और अगर आप इस पे नियंत्रण करना चाहते हो तो जो आपके पास जो सेवाएं हैं, जो फंगिसाइड को रोकने के लिए जो पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड का भी आप प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास, इसके लिए आप दो, एक कैरोजीन की एक पेस्टिसाइड एक दवाई आती है और एक दवा आती है आपकी ड्यूडेक्स के नाम से, जिसको आप 15 से 20 लीटर में 10 ml के द्वारा आप डालकर इसको आप अपनी फसल को रोक सकते हैं, थाम सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। अपने पास जो कृषि केंद्र होता है, जो आपकी जो कृषि केंद्र संस्था होती है, किसान भाई अपने उस प्लांट को लेके जावे और लेके जाने के बाद जो डॉक्टर वगैरह है, डॉक्टरों से सलाह लेकर
उसके द्वारा जो पेस्टिसाइड का जो प्रयोग करना है, किस तरह से जैविक खाद उसको लगाना है, किस तरह से इसकी रोकथाम करनी है, तो दोस्तों आप इस तरह से रोकथाम उन डॉक्टरों द्वारा आप पूछ कर इस पेस्टिसाइड जो भी पेस्टिसाइड का प्रयोग करके, और उसके बाद जो कीटनाशक आपके अंदर जो छेदक तना लगा हुआ, जो छेदक जो ईक के अंदर लगा हुआ है, आप उसको रोक सकते हो। तो आप जब भी किसान भाई जब भी आप अपनी शुगर कैन की फसल बोते हो तो सही तरीके से उसकी कल्टीवेशन कीजिए, अपनी सोयल को चेक कीजिए, उसके अंदर खरपात या उसके अंदर जैविक खाद का प्रयोग करके अच्छी तरह भूमि, अगर आपको अच्छी तरह से फसल की देखभाल अगर करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अपनी फसल को देखने के लिए एक जैविक खाद या आपको बायो फर्टिलाइज़र द्वारा आप अपनी फसल को सही तरीके से उगा सकते हैं। तो आज हम आपको पता लगा, आपको सिखाया कि आप इस तरह से तना छेदक का पता कर सकते हैं। किसान भाइयों, जितने भी अभी ये जो आक्रमण चल रहा है, इस टाइम जो है मई जून के महीने में आपकी फसल के अंदर, मई जून के अंदर सबकी फसल में जो किसान भाइयों ने ईक बुई हुई हुई है इस टाइम, जिन्होंने 15 से 20 दिन या 30 दिन या 40 दिन हो चुके हैं फसल बोए हुए, तो अब ये इस तना छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादा पा रहा है। तो इसको रोकने के लिए अपनी केंद्र, अपनी जनसेवा केंद्र जो किसान सेवाओं के किसानों के लिए एक सेवाएँ खुली हुई होती हैं, जो मेडिकल खुला होता है, वहाँ डॉक्टर से जाके वहाँ सलाह लेके अपनी भूमि को चेक करवावे और अपनी जो पेस्ट जो आपकी जो फसल है उसको चेक करवा के अपनी उसका दवाई का पेस्टिसाइड का प्रयोग करके इसको रोकने की कोशिश करें। तो अगर आप इसे रोक पाते हैं तो आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी और तंदुरुस्ती और उसका जो उत्पादन है वो उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको ये जानकारी देने के लिए मैंने दे दी है, और किसान भाइयों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट टाइम अगले ही किसी टॉपिक पर एग्रीकल्चर क्रॉप के बारे में कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर मैं जल्द ही आपके पास आने वाला हूँ कुछ नई जानकारी के साथ। मैं इमरान सेफी।